हेलो दोस्तों, मनोज पिल्पा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने भाई बहनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, हरियाणा इतिहास की प्रमुख तिथियां। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि HSSC के हर एग्ज़ाम्स में डेट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतिहास से जो रिलेट करते हैं कि किसका कब तक शासन रहा, किसकी कब मृत्यु हुई, कौन सी लड़ाई कब हुई, कौन सा वंश कब तक चला और कौन भारत में कब आया कब गया। तो दोस्तों, जो हैं ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम्स में इतिहास से रिलेटेड जो हैं पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसकी हमने PDF क्रिएट की है और PDF का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे और भाई बहनों को इसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले महाभारत की। महाभारत का जो युद्ध है दोस्तों, वो 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व, यानी कि पहले ईस्वी पूर्व आया था और फिर ईस्वी आया था, इसको कैसे याद करें। अब जैसे कि अगर कोई मुख्यमंत्री बन चुका है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जा चुकी हैं। तो ऐसे ही जो महाभारत का युद्ध हुआ था, पहले ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था फिर ईस्वी शुरू हुई थी। दोस्तों, तो महाभारत का युद्ध कब हुआ, 900 ईस्वी पूर्व हुआ था और किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच। उसके बाद दोस्तों, हरियाणा में 324 से 232 के बीच मौर्य के अधीन था, मौर्य काल के। दोस्तों ये जो है ईस्वी पूर्व जो उल्टा चलता था और फिर ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ है, यानी कि 324 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, 324 ईस्वी पूर्व। उसके बाद दोस्तों, महाराजा हर्षवर्धन का जन्म जो 590 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हमने इसके अंदर दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट हैं वो कवर की गई हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म दोस्तों 590 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। दोस्तों, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में हवेन सोंग जो है 629 ईस्वी में आए थे। दोस्तों, हर्षवर्धन जो है भारत में तो पहले आ चुके थे, लेकिन इनके जो दरबार में 629 ईस्वी पूर्व में आए थे। और बता दें कि महाराजा हर्षवर्धन का राज्य अभिषेक जो 606 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हवेन सांग जो है 634 ईस्वी में हरियाणा में आए थे और यह हरियाणा में 634 से 644 तक रहा था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हवेन सांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में आए थे, लेकिन हरियाणा में कब तक कब आए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा में 634 से 644 तक ये हरियाणा में रहे थे। दोस्तों, 634 ईस्वी में हरियाणा में आए। दोस्तों, हवेन सोंग जो है एक चीनी यात्री थे और इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक थी दोस्तों सीयू के अंदर जो हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा गया है। दोस्तों, 634-635 में महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों, 634-635 ईस्वी में महाराजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था और महाराजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराने के बाद जो है उनका राज्य आ गया और उन्हें चालुक्य वंश का जो है राजा होते थे, ये चालुक्य वंश आ गया था। दोस्तों 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और बात करते हैं दोस्तों, 836 ईस्वी में राजा मिहिर भोज का शासन होता था और इसके समय में दोस्तों पेहवा अभिलेख मिला था और यहाँ घोड़ों का व्यापार होता है। ये क्वेश्चन आया भी है कि घोड़ों का व्यापार हरियाणा में कहाँ होता है, वो दोस्तों ये पेहवा के अंदर होता है, याद रखना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजा मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं। दोस्तों ये संबंध रखते थे। बात करते हैं दोस्तों महमूद गजनवी ने जो दोस्तों हरियाणा में पहला आक्रमण किया था, जो 1009 में किया था और दोस्तों 1009 में पहला आक्रमण किया था और दूसरा आक्रमण जो किया था 1014 में, जो थानेश्वर पर आक्रमण किया था और राजा जयपाल को हराया था और वहां से स्वामी महाराज की मूर्ति ले गए थे। ये क्वेश्चन देखा गया है कि महमूद गजनवी जो हैं वो हरियाणा से किसकी मूर्ति लेकर गए, तो स्वामी महाराज की मूर्ति लेकर गए थे दोस्तों महमूद गजनवी, 1014 में जो है दूसरी बार आक्रमण किया था। दोस्तों 1139 में अणो राजा होता था, इसने तोमरों को हराया था। तोमर वंश के बाद हरियाणा में चौहान वंश आया था दोस्तों और तोमर वंश का पूरी तरह जो पतन है चौहान वंश ने ही किया था। बात करते हैं 1191 में दोस्तों त्राइन का पहला युद्ध हुआ था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1191 में, और पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे। दूसरी बार फिर जो 1192 में मोहम्मद गोरी से टिका नहीं रहा और फिर दोबारा से आक्रमण करने के लिए आए, और जो है इनका साथ जो हमारे कुछ राजाओं ने दिया था मोहम्मद गोरी का, और जो साथ मिल गया तो फिर उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे 1192 में। दोस्तों जयचंद का साथ मिला था दोस्तों इनको। 1206 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाब वंश की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाब वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि गुलाब वंश के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। नेक्स्ट है 1215 में त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, और ये इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाजा के बीच हुआ था, और इस युद्ध को इल्तुतमिश ने जीता था, और इल्तुतमिश जो हैं रजिया सुल्तान के पिता होते थे दोस्तों। 1236-1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। यह दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका थी 1236-1240 में दोस्तों रजिया सुल्तान। और जो रजिया सुल्तान का जो कत्ल किया था बैरम खान ने किया था, इसके भाई ने ही इनका कत्ल किया था दोस्तों, कैथल में किया था रजिया सुल्तान का 1236-1240। 1265 में दोस्तों बलबन ने मेवात पर आक्रमण किया था, और बलबन के बेटे को मेवातियों ने मार दिया था, इसलिए बलबन ने मेवातियों को मारने के लिए ब्लड एंड आर्यन की नीति अपनाई थी। याद रखना है दोस्तों, ब्लड एंड आर्यन की नीति किसने अपनाई, बलबन ने। क्यों अपनाई, मेवातियों को मारने के लिए दोस्तों। 1265 ईस्वी में युद्ध किया था बलबन ने। ये एक ऐसा राजा था जिसने जो युद्ध जीतने के बाद राजा बना था दोस्तों 1265 ईस्वी में। दोस्तों 1290 में हरियाणा जो है खिलजी वंश के अधीन हो गया था, और 1351 में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का बसाया था। ये याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC ने पूछा है कि फतेहाबाद का जो है निर्माण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। कब किया, 1351 में। किसके नाम पर पड़ा, फिरोज शाह तुगलक जो है इसका लड़का होता था फतेह खां, और उनके नाम पर जो है फतेहाबाद पड़ा था दोस्तों। 1354 में जो है फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था, और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हरियाणा में हिसार जिला किसने बसाया, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था दोस्तों 1354 में, और 1351 में जो है फतेहाबाद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसने हरियाणा के सिरसा फतेहाबाद हिसार को जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई थी। क्वेश्चन आ चुका है कि तैमूरलंग ने हरियाणा में कहाँ पर आक्रमण किया, और ये ऑप्शन में तीनों आते थे और चौथे ऑप्शन में उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर था दोस्तों, सिरसा फतेहाबाद और हिसार। नेक्स्ट है 1451 में हरियाणा जो है लोधी वंश के दिन हो गया था दोस्तों। लोधी वंश का जो संस्थापक है वो बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल लोधी के समय जींद क्लाइथ विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जींद विद्रोह और क्लाइथ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और किसके समय में हुआ था, तो बहलोल लोधी के जो है समय में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है 1517 और 1526 तक हरियाणा इब्राहिम लोधी के अधीन था 1526 तक, और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और उसमें जो है बाबर ने जीत हासिल कर ली थी। उसके बाद दोस्तों बाबर ने युद्ध जीतने के बाद काबुली बाग का निर्माण कराया था, और मुगलों का शासन आ चुका था दोस्तों। 1549-1545 तक हरियाणा शेरशाह सूरी के दिन था। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में 88 कोस मीनारे बनवाई थी, और बता दें कि जो शेरशाह सूरी ने जीट रोड का निर्माण किया था यह कोलकाता से पेशावर तक जाता है दोस्तों, और नेशनल हाईवे 44 का दूसरा नाम शेरशाह सूरी है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और बता दें कि जो हेमू हेमचंद्र थे रिवाड़ी के राजा होते थे दोस्तों, ये पहले हिंदू राजा और आखिरी हिंदू राजा थे दिल्ली गद्दी पर बैठने वाले, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हेमचंद्र हेमू जो है रिवाड़ी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। 5 नवंबर 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ, और अकबर ने जीत हासिल कर ली थी दोस्तों। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था 1739 में, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। 1756 और 1757 में हरियाणा मराठों के अधीन था। वहीं 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, और कहाँ हुआ था, काला आम, जिसकी जो है
ईंट जो रखी थी बाबर ने रखी थी दोस्तों काला आम नामक स्थान पर लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस युद्ध स्मारक स्थल पर लड़ा गया, तो वो काला आम पर दोस्तों। तो 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध लड़ा गया, 14 जनवरी 1761 को तीसरा, 5 नवंबर 1556 को दूसरा, और दूसरों और 21 अप्रैल 1526 को जो है पहला युद्ध लड़ा गया। दोस्तों डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अब तो HSSC क्या करने लगी कि डेट का डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं देती है, 4, 5, 6, 7, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये, सन का पता होता है लेकिन डेट में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए दोस्तों हमने डेट भी साथ में लिखी है अपने भाई बहनों के लिए। दोस्तों जब 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली जो है जीत चुके थे दोस्तों, मराठों को हरा दिया था, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किया था पानीपत में तीसरे युद्ध के बाद। वहीं 1797-98 में जॉर्ज थॉमस होते थे और इसने जो हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जॉर्ज थॉमस की राजधानी किसे कहा जाता है, तो हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है दोस्तों, 1797-1798 में। 1803 में मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों के भेज दिया था सुरजी अंजन गांव संधि के तहत। दोस्तों बता दें कि 1803 में मराठों ने हरियाणा को भेज दिया था, और किस संधि के तहत बेचा था, सुरजी अंजन गांव संधि के तहत दोस्तों। और जो सुरजी अंजन जो गांव की संधि थी दोस्तों, ये दौलतराम सिंधिया ने की थी, याद रखना दोस्तों। 1809-1810 हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन था। 1858 में हरियाणा पंजाब के हिस्से में चला गया था, और 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रिवाड़ी में आए थे और इन्होंने गौशाला का निर्माण करा था। तो दोस्तों हरियाणा में पहली गौशाला कहाँ बनी थी, रिवाड़ी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहली गौशाला जो हरियाणा में कहाँ बनी, रिवाड़ी में। दोस्तों 1886 में आर्य समाज की शाखा जो है हिसार में लाएगी, और किसके द्वारा लाएगी, लाला लाजपत राय के द्वारा 1886 में। वहीं 1886 में कांग्रेस की शाखा जो है अम्बाला में राय बहादुर लाल मुरलीधर लेकर आए थे दोस्तों। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, और हिसार से जो है लाला लाजपत राय ने इनमें भाग लिया था 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। दोस्तों 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा रोहतक में हुई थी, और इसके अध्यक्षता जो है तुरबाज खान ने की थी। 1907 में कांग्रेस पूरे हरियाणा में फैल गई थी, और 1907 में लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि लाला लाजपत राय को मांडले जेल कब भेजा गया, 1907 में। 10 अप्रैल 1919 को पलवल में महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हुई थी, और 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को हिसार से गिरफ्तार किया गया था, ये दूसरी गिरफ्तारी थी। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया, पलवल से। 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को कहां से गिरफ्तार किया गया, हिसार से। तो दोस्तों ये सारी डेट जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मेरे भाई बहन इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है, ना कि इतना ज़्यादा रटने से याद नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों चीज़ों को रिलेट करके आप याद करें, रटे नहीं, क्योंकि रटोगे तो फिर 2-3 हफ्ते बाद इस चीज़ को भूल जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मेरे भाई बहनों को और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सके। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सिर्फ मेहनत, मेहनत, मेहनत और मेहनत। दोस्तों आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और सफल होकर दिखाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए धन्यवाद।